28 बाब पहली 10 आयत। उस वक्त सब्बत के बाद हफ्ता के पहले दिन को फटते मरियम मजदली और दूसरी मरियम कब्र को देख के आई और देखो एक बड़ा जलजला आया क्योंकि खुदावन का एक फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की सी और उसकी पोशाक बर्फ की सी सफेद थी और उसके डर से जिगेबान कांप उठे और मुर्दों की मानद हो गए। पर फरिश्ते ने औरतों से खताब करके कहा, तुम ना डरो क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब किया गया था। वो यहां नहीं है क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ और ये जगह देखो जहां वो पड़ा था। पर जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहा कि वो मुर्दों में से जी उठा है और देखो वो तुमसे पहले जलील को जाता है, वहां तुम उसको देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना हुई और उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ गई और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके पांव पकड़े और उसे सजदा किया। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों को खबर दो कि जिले को जाएं, वहां मुझे देखेंगे। अंजीले मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह मुआफ किए जाएं।